नमस्ते, सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अपनी दिवाली अच्छे तरीके से मनाई होगी और बहुत शुभ रही होगी। बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि 10 दिन के लिए मैं बाहर चली गई थी। दिवाली इस बार छोटे भाई साहब के अजमेर में मनाई गई, तो वहीं निकल गई थी मैं भी। तो वापस आते ही फिर से प्लांट्स की सेवा में लग गई हूँ, क्योंकि पीछे से पानी देने का कार्यक्रम थोड़ा बाधित हो जाता है। मेरे अलावा कोई नहीं करता क्योंकि घर में गार्डनिंग का शौक नहीं रखता, तो पानी दे जाते हैं बस ज़बरदस्ती। तो बहुत काम इकट्ठा हो गया है, बिल्कुल साफ़ सुथरी छत छोड़ के गई थी। तो आज तो मैं एक इम्पॉर्टेंट काम करने वाली हूँ, सर्दियाँ शुरू होने से पहले या शुरू होते ही, जो मैं हमेशा कर देती हूँ। तो बोर्डेक्स मिक्सचर, हम लोग बोलते हैं बोर्डो मिक्सचर जिसको, वो मैं बनाने वाली हूँ फंगस के लिए। प्लांट्स में सर्दियों में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है फंगस की, फ्रूट प्लांट्स में, स्पेशली रोज़ प्लांट्स में, फ्रूट प्लांट्स में, गुलाबों के जो पत्ते पे ब्लैक स्पॉट वगैरह हो जाते हैं। तो उनका सटीक रामबाण इलाज होता है ये, और घरेलू है इलाज, तो है ना बहुत सस्ते में भी बन जाता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता। तो ये देखो आप, इसके लिए तीन चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है। एक तो चूने की ज़रूरत पड़ती है, खाने वाला ले आएँ तो बेटर होता है, लाइमस्टोन सॉरी। और एक हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी कॉपर सल्फेट, जिसको हम लोग नीला थोता या तूतिया भी बोलते हैं। तो ये दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और इसके अलावा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो बोर्डो मिक्सचर इसी तरह तैयार किया जाता है, और सदी हो गई इसको यूज़ करते हुए लोगों को, फ्रूट प्लांट्स में और ना ऑर्नामेंटल अलग प्लांट्स में जो है फंगस, हर तरह की पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हुए, और भी अदर और अलग तरह की फंगस ख़त्म कर देता है बिल्कुल ये जड़ से, अगर हम लोग इसको दो तीन बार रेगुलर देते हैं तो। तो ये मैं कई सालों से यूज़ करती हूँ अपने फ्रूट प्लांट्स पे भी, रोज़ प्लांट्स पे भी। तो इस बार भी मैंने आते ही सबसे पहले यही शुरुआत की है। तो इसमें यह है कि आपको एक एक लीटर पानी में, जैसे अगर आपके पास ज़्यादा पौधे नहीं है तो हर 100 ग्राम से भी काम चल जाता है, तो 100 ग्राम है ना चूने का पाउडर लाइमस्टोन, और है ना 100 ग्राम बराबर ही लेती हूँ मैं, तो कोई परसेंटेज में डिफरेंस नहीं रखती। 100 ग्राम जो नीला थोथा है या फिर कॉपर सल्फेट है, अलग अलग उसको दोनों को एक रात पहले गला देना होता है, एक एक लीटर पानी में गला जाओ, और एक रात भीगने के बाद या फिर एक पूरा दिन भीगने के बाद हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं, और अलग अलग ही भिगोएं इसको। फंगस की प्रॉब्लम 80% प्लांट्स को ख़त्म कर देती है, और हमको पता भी नहीं चल पाता कि क्या हो रहा है हमारे प्लांट्स में। तो उसका इलाज बहुत ज़रूरी होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही इलाज होता है। तो ये इतने सारे फ्रूट प्लांट्स और बढ़ गए हैं मेरे पास, तो अब मैं सब में है ना एक बार ये यूज़ करूँगी, और उसके बाद 30 दिन बाद दोबारा करूँगी। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर बहुत ज़्यादा प्लांट नहीं है, जैसे मेरे पास थोड़े ज़्यादा प्लांट है, तो मैं 200 ग्राम चूना और 200 ग्राम कॉपर सल्फेट या नीला थोथा अलग अलग है ना एक एक लीटर पानी में भिगो गई थी कल शाम को, और अब मैं सुबह इसको दे दूँगी अर्ली मॉर्निंग। तो उसके बाद जो हम लोग मिक्सचर बनाएंगे इसका, वो दोनों को साथ मिलाएंगे, और तभी मिलाएंगे जब हमें देना हो। बहुत ज़्यादा देर इसको रखा नहीं जाता मिक्स करके। तो ये देखो आप, मैं बड़े टब में इसको ले लेती हूँ दोनों को, और 1% का सॉल्यूशन बनाना होता है इसका, मतलब जितना भी आप ये बना रहे हैं उसका है ना 100 गुना हम लोगों को पानी लेना होता है। तो जैसे 200 ग्राम मैंने ये लिया है, तो लगभग 20 लीटर पानी है ना मैं ले लूँगी इसमें, और ये 30 लीटर का ये, तो मैं तो थोड़ा हल्का बनाऊँगी, तो 30 लीटर पूरा भर के बना लूँगी मैं इसको। अब हम लोग इसको मिक्स करेंगे, तो इस तरह का ये कुछ हल्के नीले कलर का या नीले कलर का घोल तैयार होता है इसमें, और ये बिल्कुल रामबाण इलाज होता है फंगस का, वर्षों से मैं इसको देख रही हूँ। तो एक बार ज़रूर आप है ना हर 6 महीने में, या है ना ज़्यादा फंगस की समस्या है तो हर 6 महीने में इसको करते रहें, और नहीं तो एक बार तो साल में ज़रूर ही कर दें सर्दियाँ शुरू होने से पहले। तो एक बार का मतलब लगातार है ना हम लोगों को 2 या 3 बार करना है ये, हर 30-30 दिन के अंतर पर ये ट्रीटमेंट, तो फिर आपके प्लांट्स बिल्कुल हेल्दी बने रहते हैं, स्पेशली फ्रूट प्लांट्स, रोज़ प्लांट्स, इनके लिए तो बहुत ही है ना ऑर्नामेंटल प्लांट्स, इनके लिए बहुत अच्छा होता है ये।
और फंगस के लिए पता नहीं हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, पर ये एक इकलौता तरीका है जिससे आप है ना आराम से अपने प्लांट्स में फंगस दूर कर सकते हैं और रोग मुक्त रख सकते हैं। ये आपके प्लांट्स को थोड़ा मजबूत बनाने का काम भी करता है। कैल्शियम तो वैसे ही फ्रूट प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, अच्छा फ्रूट और मीठा फ्रूट बनने के लिए भी। तो 1% का सॉल्यूशन ही बनाया जाता है, इससे ज़्यादा अगर आप बनाएंगे तो आपके फ्रूट में रॉटिंग की समस्या भी हो सकती है या पत्तियाँ जल भी सकती हैं। उसी तरह से हिसाब बस यही रखें आप, 100 ग्राम अगर आपने दोनों चीज़ 100 ग्राम भिगोई है तो 10 लीटर पानी में आप उसको मिला के और फिर दे दें। और सेफ साइड ये है कि 10 की जगह 15 मिला लें तो भी चलेगा। अच्छे से इसको घोल लेंगे और बस प्लांट्स में दे देंगे प्लांट्स के अकॉर्डिंग। जैसे बड़े टंकी में जो मेरे प्लांट्स लगे हुए हैं उनमें मैं 1 लीटर भी दे दूँगी भर के। और फिर 30 दिन बाद इसको दोबारा रिपीट कर दूँगी मैं। तो 2 बार तो मैं देती ही हूँ। और अब मेरे फ्रूट प्लांट्स के तने भी बड़े हो गए हैं तो मैं थोड़ा पेस्ट बना के भी इन तनों के ऊपर, आपने देखा होगा कई बार सरकारी जो प्लांट्स होते हैं उन पर भी सफ़ेद पेस्ट लगा होता है, तो वो इसी तरह का होता है। पूरी मिट्टी में से फंगस दूर हो जाए इस तरह से। ये बड़े हो गए हैं प्लांट्स तो मैं इनमें ये दे देती हूँ, क्योंकि चीकू में मुझे लग रहा है हो भी सकता है ये ऊपर रहता है थोड़ा सा, ये वाली टंकी तो ज़्यादा केयर नहीं हो पाती इसकी। इसी तरह सारे फ्रूट प्लांट्स में पहले दूंगी मैं और बाद में फिर रोज़ प्लांट्स में, और बचेगा तो फिर बाकी प्लांट्स में भी। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया ये फंगस की समस्या बहुत बड़ी समस्या होती है हमारे प्लांट्स में, और हमको लगता है पता नहीं क्या क्या रोग लग गए हैं जिसकी वजह से प्लांट्स ख़त्म हो रहे हैं, पर मेन 80% समस्या फंगस की होती है प्लांट्स में। सारे ही प्लांट्स में दे दूंगी मैं। देखो मलबरी का बहुत अच्छा बढ़ रहा है मेरा प्लांट, शहतूत बोलते हैं हम जिसे। प्लांट कितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग देते चलें आप। 12 इंच के गमले में तो 100-200 ml भी बहुत होता है, और अगर बड़े में है थोड़ा तो 250 ml दे दीजिए। जैसे मेरे टंकी में प्लांट्स जो लगे हुए थे उनमें मैंने 1-1 लीटर भी दिया है। मिट्टी काफ़ी होती है ना, फिर उसको पहुँच के और ट्रीट करने में भी है ना थोड़ा सा तो लगता ही है। बार बार बस इसको मिलाना होगा क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है पानी से अलग। और इस तरह के देखो खाने के चूने के पैकेट मैं तो है ना अपने किराने वाले से ही मंगा लेती हूँ, इजीली अवेलेबल होता है ये खाने वाला चूना तो। और नीला थोता जो आपको है वो पंसारी की शॉप्स जो हम लोग कहते हैं उसमें मिल जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन मैंने भी पिछली बार मंगाया था, काफ़ी महंगा पड़ जाता है, अदरवाइज इतना महंगा नहीं पड़ता। और ये तो मैंने एक साथ मंगा लिया था, एक बार मैंने